तो हमारा चैप्टर नंबर 1 साइंस का है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन। अब केमिकल रिएक्शंस जो है वो हमारे डेली रूटीन लाइफ में भी होते हैं, तो ऐसा तो मतलब कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो हमारे डेली रूटीन लाइफ में होते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस जैसे कि मिल्क में से कर्ड बन जाना है, उसके बाद में जो नेल है आयरन नेल वो ह्यूमिड टेम्परेचर में क्या हो जाती है, उसके ऊपर काट लग जाता है ना, जंग लग जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो जो केमिकल रिएक्शंस है वो सारे हमारे रूटीन लाइफ में होते रहते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे होते हैं और अगर ये केमिकल रिएक्शंस हो तो क्या होगा, कैसे क्या हो सकता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में, जहां पे भी जो भी लाइन टू लाइन जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको इसी तरह बताती जाऊंगी। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंड व्हेन। हमें डेली लाइफ की सिचुएशंस को लेना है और फिर जानना है कि अगर ऐसा हो तो क्या होता। अगर हम मिल्क को रूम टेम्परेचर पे रख दें ऐसे ही समर सीजन में तो क्या होगा, वो मिल्क खराब हो जाएगा ना। समर सीजन में अगर दूध को हम बाहर रख दें रूम टेम्परेचर पे तो शाम सुबह में रखा हुआ मिल्क शाम तक खराब हो जाता है। एंड आयरन लेड आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फियर। अगर हम आयरन तवे को लोहे के तवे को पैन को या नेल को खिल्ली को ऐसे ह्यूमिड भेज वाले एटमोस्फियर में रख दे तो क्या होगा उससे, तो वो हमें जानना है। उसके बाद में ग्रेब्स गेट फर्मेंटेड फूड इज कुक्ड फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। अगर फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है तो क्या होता है और कैसे होता है, वी रेस्पायर हम रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है, उसमें भी केमिकल रिएक्शंस है या नहीं है। इन ऑल ऑफ द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिफाई ऑफ द इनिशियल सब्सटेंसेस हैव समवॉट चेंज्ड। और ये जो नेचर है जो आइडेंटिफाई करता है इनिशियल सब्सटेंसेस को जो चेंज आता है उसके लिए हम इस नेचर में हमें ये जानना है कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं कि कैसे चेंज आता है अचानक से। We have already learned about the physical and the chemical changes of matter in our previous classes. हमने अपने last standards में मतलब कि 9th standard में हमने ये पढ़ा हुआ है कि changes क्या है, physical change क्या है और chemical change क्या है। तो हम physical change मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं कि जो change है जैसे कि ice है, ice में से water बन जाना है या फिर water में से vapors बनना है, water vapors। तो ये जो चेंज है जो मैटर का स्टेट्स चेंज करता है फिजिकली तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज ऑफ मैटर। और केमिकल चेंज, केमिकल चेंज हम किसको बोलते हैं, तो केमिकल चेंज इट मींस कि जहां पे मैटर का एक केमिकली फॉर्मूला केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में चेंज आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस। नाउ व्हेन एवर केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन बी टेकन प्लेस। इट मीन्स कि जब केमिकल रिएक्शन होता है, जब केमिकल चेंज होता है तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है और कैसे मतलब हमें आश्चर्य होता है कि कैसे ये होता है। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। हम कैसे जानेंगे कि भाई केमिकल रिएक्शन कैसे हुआ, तो उसके लिए हम एक एक्टिविटीज देखते हैं और फिर उस क्वेश्चन के आंसर हम देंगे। तो देखते हैं हम एक्टिविटी 1.1। तो क्या दिया हुआ है एक्टिविटी 1.1 में, आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन पे। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंट। सबसे पहले हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो बताए गए हैं कि एक्टिविटी हमें टीचर्स की गाइडेंस में करनी है और ज्यादा बेटर ये होगा कि स्टूडेंट्स अगर सुटेबल आई ग्लासेस पहनते हैं तो वो ज्यादा उनके लिए बेटर रहेगा। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। हमें इस एक्टिविटी में ये करना है कि जो मैग्नीशियम रिबन हमने ली है 3 से 4 सेंटीमीटर की, तो उस मैग्नीशियम रिबन को हमें क्या करना है, उस सैंड पेपर के साथ में उसको रब करना है। होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टंग, फिर उसको हमें होल्ड करना है टंग की हेल्प से। एंड देन बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और अ बर्नर एंड कलेक्ट द एश और सो
फॉर्मड इन अ वॉच ग्लास एज शो इन द फिगर। अब हमें क्या करना है, तो वो जो हमने रिबन को टंग से पकड़ा है उसको हमें क्या करना है, बर्न करना है बर्नर की हेल्प से, स्पिरिट लैम्प या फिर बर्नर की हेल्प से हमें उसको बर्न करना है। हाँ, एक चीज ध्यान रखनी है कि हम जब ये एक्टिविटी करते हैं तो हमें ये चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है कि जो मैग्नीशियम की जो रिबन है वो हमारी आईज से बन सके उतनी ज्यादा दूर हम रखे उसको, हमारी आईज के आसपास ज्यादा ना आने दे। क्यों? तो बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज, जो मैंने बोला वही बता रहे हैं। और जो मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं उस मैग्नीशियम रिबन की जो ऐश है, जो राख मतलब मिलती है हमें, उसको हमें एक नीचे वॉच ग्लास में कलेक्ट करनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया इसमें, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो क्या होगा कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो एयर के अंदर का जो ऑक्सीजन है वो मैग्नीशियम के साथ में बाइंड होता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और जब बर्न होता है तो व्हाइट फ्लेम निकलती है और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है वो व्हाइट कलर का पाउडर इज फॉर्मेशन होता है, जो व्हाइट पाउडर फॉर्म में होता है जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, एक मैग्नीशियम का एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके साथ के रिएक्शन की वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे का पार्ट। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू अ व्हाइट पाउडर। जो मैग्नीशियम रिबन है वो व्हाइट फ्लेम में बर्न होगी एंड व्हाइट पाउडर में वो चेंज हो जाएगी। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये पाउडर कौन सा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर है। इट इज फॉर्मड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। और ये क्यों होता है, तो जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है उन दोनों के बीच के रिएक्शन की वजह से हमें ये चेंज देखने मिलता है। अब हम देखते हैं हमारी आगे की एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.3। टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। हमें क्या करना है, एक जिंक के ग्रैन्यूल्स लेने हैं जो कॉनिकल फ्लास्क में या फिर टेस्ट ट्यूब में हम ले सकते हैं। एड डाइल्यूटेड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अ सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। हमें इसके अंदर डाइल्यूटेड HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को एड करना है। कोटेशन इसमें क्या करना है, हैंडल द एसिड विथ केयर। अब आप ऑब्वियसली एसिड के साथ में वर्क कर रहे हो तो आपको प्रिकॉशंस मतलब कि पूरी ज्यादा से ज्यादा कैरिंग करनी चाहिए, वरना आप जल सकते हो, आपके हैंड्स जल सकते हैं। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स, क्या आप देखोगे कि जिंक ग्रैन्यूल्स के आसपास में क्या होता है जब हम जिंक ग्रैन्यूल्स को HCl के साथ में ऐड करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, तो क्या देखेंगे हम, H2 गैस रिलीज होता है इसमें। जिंक के जो ग्रेन्यूल्स है वो H2SO4 के साथ में मिलके हाइड्रोजन रिलीज करते हैं और ZnSO4 का एक अलग फॉर्मेशन बन जाता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, Zn plus H2SO4, it gives ZnSO4 plus H2, it means it release the hydrogen gas। देखिए आपको फिगर में यहाँ पे बता रहा है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है ग्लास ट्यूब से। तो ये हमारे एक्टिविटी 1.3। अब हम देखते हैं आगे, तो मतलब यहां तक जो हमने देखा वहां पे हमारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता था, मैग्नीशियम का एयर के साथ में एक्सपोजर होने से, एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ में एक्सपोजर होने से क्या चेंज हमें मिलता है। तो उसमें हमें चेंज मिल रहा था MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का चेंज। अब हम देखते हैं सेकेंड, तो सेकेंड एक्टिविटी से हमारा ये क्वेश्चन बनता है, What happens when zinc granules dilute in H2SO4 or HCl? मतलब कि zinc granules जो है वो डाइल्यूट होता है H2SO4 या HCl में, तो उससे क्या रिएक्शन होता है, क्या होगा? तो उसका आंसर आएगा, It release the H2 gas, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। Now, अब हम आगे का देखते हैं। From the above three activities, ऊपर की activities के हिसाब से, we can say that any of the following observations help us to determine whether a chemical reaction has taken place. तो जो chemical reaction है, वो यहाँ पे हम देखेंगे,
वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन हमने देखे, हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. जो केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उसे क्या चेंज आता है, तो जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके आंसर में हमें मिलेगा कि इसमें जो चेंज है वो हमें दिखता है चेंज इन अ स्टेट. जो सब्सटेंस है वो अपना स्टेट चेंज करेगा, इट मीन्स कि वो क्या होगा, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको स्टार्टिंग में दिया कि भाई आइस का वाटर बन जाना है या फिर कोई भी, तो अपना स्टेट चेंज करेगा फॉर्मेशन, या फिर चेंज इन अ कलर, उसके कलर में चेंज आएगा. इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, इवोल्यूशन होगा गैसेस का, या फिर चेंज इन अ टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा. तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज बीन टेकन प्लेस. क्या क्या रिएक्शन हमें दिखेंगे, तो रिएक्शन में चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैसेस एंड चेंज इन टेम्परेचर. As we observe the changes around us, we can see that there is a larger variety of chemical reaction taking place around us. जो changes हम observe करते हैं तो इसमें हम बहुत सी varieties chemical reactions की देखते हैं. हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे chemical reactions होते हैं. We will study about the various types of chemical reactions and their symbolic representations in chapter. हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, ये जो वेरियस टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस है और उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, किसी भी रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, तो वो हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. तो आगे का केमिकल इक्वेशंस के बारे में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू.